हाय गाइस, दिस इज नायक प्रमोद एंड यू आर वाचिंग नायक प्रमोद ब्लॉग्स। गाइस, आज मैं आया हूँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है आप जिंदगी में पहले कभी देखे नहीं हुए। मैं भी खुद पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे जो क्रेन इस्तेमाल हो रहा था वो इतना बड़ा बड़ा क्रेन है, मुझे पहले लगा कि ये ट्रेन की इंजन है, रास्ते में आ गई है, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के साइड में ये काम चल रहा है। तो मेरे को लगा कि एक्सीडेंट कुछ हो गया, इसलिए ट्रेन की जो इंजन है वो रास्ते में आ गया है। उसका जो पीछे से है, उसका उठाने वाला जो स्लिंग से उठाता है, वो बहुत हाइट में कम से कम 30-40 मीटर के हाइट तक वो उठा पाता है चीज़ें को स्लिंग से। उस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर होता था, क्योंकि यह जो सबसे ख़तरनाक जगह यहीं पर है। यहाँ पर ये जो तार गया है ना, ये 25,000 किलो वोल्ट का तार है। जो हमारा नॉर्मल जो घर में जाता है वो 220 का है, लेकिन यहाँ पर 25,000, मतलब इतना खतरनाक है कि आप छुओगे, एक बार छुआ तो स्पॉट डेथ हो जाएगा, मतलब इतना खतरनाक जगह है। यहाँ पे दो बड़ा बड़ा क्रेन इस्तेमाल हो रहा था, एक साइड से ये उठा रहा था, दूसरा साइड से दूसरा क्रेन उठा रहा था। तो सबसे खतरनाक जगह है, थोड़ा सा भी गलती होता या अगर वो तार से टच कर जाता ना, कुछ भी छुएगा स्पॉट डेथ हो जाएगा। तो सबसे खतरनाक जगह ये ट्रेन का तो तार है, उसको तो काट नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन हमेशा चलती रहती है। और दूसरा जो चीज़ है, दोनों साइड से करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन हमेशा चलती रहती है यहाँ पर, और ये करंट को कट नहीं किया जा सकता, क्योंकि काम तो चलेगा महीने महीने तक। इसके लिए ट्रेन को रोका नहीं जा सकता या करंट भी काटा नहीं जा सकता। तो सबसे खतरनाक जो काम हुआ था वो यहाँ पर हुआ था। इधर से एक बनाया है और उधर से एक बनाया है, वहाँ तक जो टॉस किया गया है, ये सारे चीज़ को स्लिंग से उठाया गया है और क्रेन से, बड़ा बड़ा क्रेन से उठाया गया है, और उठा के इसको फिक्स किया गया है, वेल्डिंग करके इसको फिक्स किया है। वही सबसे खतरनाक जगह है। ब्रिज क्यों बनते हैं ये आपको पता है, क्योंकि जब ये जो रेलवे क्रॉसिंग होता है, ये जब भी एक मालगाड़ी आ गया और एक ट्रेन आ गया, वो 10-15 मिनट तक वो गेट पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो लोग है वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, और इतना लंबा भीड़ हो जाता है ना, फिर उसको क्लियर करते करते फिर दूसरा ट्रेन आ जाता है, फिर ऐसे करते करते फिर तीसरा ट्रेन आ जाता है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है रेलवे क्रॉसिंग के, इधर से दूसरा साइड तक एक ब्रिज बन रहा है, वजह से रेलवे क्रॉसिंग पर ज़्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ेगा, इसलिए ब्रिज बनती है, ये तो आप लोगों को पता है। साइंस और टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बहुत डेवलप होता जा रहा है, जिसकी वजह से इंसान बहुत कम टाइम के अंदर में मशीन को यूज़ करके बहुत बड़ा बड़ा काम भी ख़त्म कर दे रहा है। आज पैसों की बात करूँ तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, फिर भी यहाँ पे 100-100 करोड़ों से भी ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा एक ब्रिज को बनाने के लिए। इस तरह कम से कम 20-25 पिलर बनाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है एक पिलर को बनाने के लिए सिर्फ 15-20 लाख से भी ऊपर खर्चा हो जाता है एक पिलर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे कम से कम 20-25 पिलर बन रहा है, सिर्फ पिलर बनाने के लिए तो मुझे लग रहा है करोड़ों का खर्चा आ जाएगा। फिर वहाँ पे उसके ऊपर से ब्रिज भी बनाया जाएगा, वो जिसे उसमें पूरा कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, इस अंदर से बोरिंग किया जा रहा है पूरा अंदर से उसको पिलर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऊपर से कर दिया जाएगा, पूरा अंदर से पिलर बन रही है वो। ब्रिज बनाने के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ज़मीन की है। तो कई बार क्या होता है ना, लोग केस कर देते हैं, हाई कोर्ट में केस कर देते हैं, हमको हम हमारा ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, हमारा पापा बड़दादा कहे है तो हम नहीं छोड़ेंगे। कई बार होता है केस चलता है, लेकिन कोर्ट क्या होता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी ज़मीन जैसे तैसे करके ले ही लेगी। तो ये जो ज़मीन पड़ा है यहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, ये एक बिल्डिंग था, बहुत बड़ा सा बिल्डिंग था, इसको तोड़ दिया गया, ज़मीन ले गया, लेकिन नहीं, वो ज़्यादा पैसा देती है नॉर्मल ज़मीन के वैल्यू से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। ब्रिज जब भी बनता है ना, पूरा स्लॉप टाइप का बनता है, वो धीरे 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 उठ उठ के जाएगा, फिर एक टर्निंग पर फिर उसे मुड़ा जाएगा, तिरछा करके मुड़ेगा, फिर उधर से भी इसे झुक झुक के जाएगा नीचे तक, ऐसे ही बनती है ब्रिज। दोपहर के टाइम में आया हूँ और यहाँ पर इतना गर्मी हो रहा है, गर्मी का मौसम आ गया, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर जो कंक्रीट बनाया जा रहा है ना, उसको ट्रक में भर के लाया जाता है, उसके लिए एक बड़ा सा प्लांट बनाया हुआ है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से एक प्लांट बनाया गया है, वहाँ पर वो ट्रक में वो पूरा चीज़ डाल दिया जाता है, जहाँ पे सीमेंट, पानी, रेत और चिप्स जो भी लगती है, वो सारे चीज़ उसको मिक्स करके वो डायरेक्ट यहाँ पर आके डालता है। और यहाँ पर जो डालता है वो कैसे डालेगा, वो तो ट्रक ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगा या नीचे तक नहीं जा पाएगा,
उसके लिए एक पंप मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी वाला पंप मशीन नहीं है, यहाँ पर जो ये क्योंकि सीमेंट को पंप करने के लिए ना थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए, तो इसके लिए वो लोहे का पाइप भी इस्तेमाल किया जाता है पंप करने के लिए। वो यहाँ पंप मशीन है, वो नीचे से पंप करके पूरा ऊपर तक, आपको ऊपर तक चाहिए तो ऊपर तक ले जाएगा, नीचे तक चाहिए तो नीचे तक ले जाएगा। जहाँ तक आप पाइप इस्तेमाल करेंगे वो पाइप वहाँ तक ले जाएगा। पाइप भी है, पाइप का भी टाइप है, एक स्ट्रेट पाइप है, एक बैंड टाइप का पाइप है। आप अगर स्ट्रेट लेना है तो स्ट्रेट पाइप यूज़ करेंगे, बैंड पाइप है बैंड पाइप यूज़ करेंगे। और पाइप का जो लेंथ है कम से 3-4 हाथ होगा एक एक पाइप का लेंथ। ऐसे ही बहुत सारे पाइप को जोड़ के ऊपर तक लाया जाता है। तो टेक्नोलॉजी दिन पर दिन डेवलप हो रहा है तो चीज़ें आसान हो जा रहा है।